महिला सशक्तिकरण को और बेहतर आयाम देते हुए उन्हें आत्म सुरक्षा की तकनीक अपनाने के उद्देश्य से सोनभद्र जिला मुख्यालय परमेश्वर स्याही के तहत एक सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के लगभग 1000 छात्राओं ने भाग लिया। भाग लेकर सेल्फ डिफेंस की बारीकियों को सीखा। बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने इस आयोजन के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सराहना करते हुए कहा कि मौजूद समय में निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है, जिससे महिलाएं न सिर्फ आत्मरक्षा में निपुण होंगी बल्कि उनके भीतर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। कार्यक्रम संयोजक अवनीश मानव ने बताया कि समाज में बच्ची और महिलाओं को खुद को मजबूत बनाने और आत्मरक्षा के लिए यह मिशन शाही आयोजित किया गया, जिसमें कुशल प्रशिक्षकों द्वारा छोटे छोटे टिप्स के माध्यम से आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। आज जो है घटनाएं घट रही है महिलाओं के लिए और ये जो लड़कियों के लिए इतनी जो घटनाएं घट रही है, ये मिशन साहसी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसका हम प्रयोग करके उन सभी घटनाओं को कम कर सकते हैं। क्या सीखा, कौन सी चीजें सीखी आपने? आज हमने स्टेप सीखा है, इससे हम उन सभी लोगों पर जो महिलाओं के लिए इतना गलत काम करते हैं उन पर प्रयोग कर सकते हैं, ये सब हमने सीखा है। और आज महिलाएं सशक्त और होना चाहिए महिलाओं को समाज में, इतना ये सभी चीजें किस क्लास में पढ़ती है? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोनभद्र सेकेंड ईयर मैकेनिकल प्रोडक्शन। आज यहाँ क्या आपने सीखा, क्या था यहाँ पे आज? हमने ये सीखा कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है और बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे हमें बताया गया कि सक्षम बनना, हमें अपनी क्या क्या सीखा? ये सीखा कि हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए और सक्षम बने, सेल्फ डिपेंड। किस तरह से, क्या क्या सीखा हमने यहाँ पे? मतलब अगर कोई हमले हम पे वार करता है तो हमने बचना सीखा, कैसे हमें बचना है, किस किस तरीके से। किस तरह कार्यक्रम है, क्या है इसमें उद्देश्य? क्या उद्देश्य है इसका? जैसा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य रखा गया है, यह पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा यह मिशन साहसी का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका यह उद्देश्य है कि समाज की सारी छात्राएं और वो परिवार जो ये सोचते हैं कि हमारी बेटियां बहू और अभियाँ ये जाने में अपने आप को एक असुरक्षित महसूस करती हैं, उनको ये कठिनाई होती है, तो इस तरह के कार्यक्रम हम इसलिए करना चाहते हैं कि उनमें क्या सिखाया आपने यहाँ पे लोगों? यहाँ पर हमने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए सिखाया कि आत्म कैसे बचाव कर सकते हैं अपना, और कोई अगर बीच में कोई भी आता है मनचला अगर परेशान करता है तो हम उसमें किस पोजीशन से अपने आप भर सकते हैं, उस स्थिति में अगर हमारे पास कुछ है नहीं तो एक बालपिन से ही किस तरह से उनका एक आसान तरीके से उनका हम विरोध कर सकते हैं। क्या कार्यक्रम आयोजन है, क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम? मैं बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को, उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और जितनी भी बच्चियाँ इसमें पार्टिसिपेट की सीख करके उसके इस कैंप में उस ट्रेनिंग को पा करके बहुत ही उत्साहित थी, बहुत ही प्रसन्न थी। ये जो सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स होती हैं, ना केवल इनको आत्मरक्षा का एक साधन प्रोवाइड करता है बल्कि इनमें कॉन्फिडेंस लाता है, जिससे ये अपने जीवन में, पढ़ाई लिखाई में, खेलकूद में, जिस चीज़ में भी आगे बढ़ना चाहती हैं उसको उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा।